छत्तीसगढ़ कैबिनेट में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें अंबिकापुर के हेलिकोरॉस अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। आपको बता दें, खाद्य मंत्री सरगुजा दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। गुरुवार शाम को एक स्कूल में कार्यक्रम में वे शामिल होकर लौटे थे, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई थी। इसके साथ ही उन्हें रात में तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों का कहना है कि कैबिनेट मंत्री को डिहाइड्रेशन हो गया है। फिलहाल उन्हें ड्रिप लगाई गई है और उनकी हालत स्थिर है। हम लोग मिशन हॉस्पिटल में हैं और आज सुबह में अर्ली मॉर्निंग में ऑनरेबल फूड एंड कल्चर मिनिस्टर को यहां पर एडमिट किया गया है। डिहाइड्रेशन और लूज मोशंस की शिकायत थी उनको, तो रात में पूरे अनरेस्ट में थे। अभी ठीक है, स्थिति बिल्कुल सही है। मुलाकात करके मैं निकला हूँ, डॉक्टर से बात हुई है तो बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं और जल्द ही स्वस्थ होकर के वापस यहाँ से निकल जाए। कल मल्टीपर्पज़ स्कूल में नौ प्रवेश बच्चों के एडमिशन कार्यक्रम में शामिल हुए थे मंत्री जी, और उसके बाद फिर घर पहुँचे तो थोड़ा सा उनको हरारत और थकान टाइप का लग रहा था। उसके बाद शाम को लूज मोशन और डिहाइड्रेशन की शिकायत उनको हुई, और शाम को ही हम लोग डॉक्टर शमसुद्दोहा के पास गए और उन्होंने दवाई वगैरह दिया, लेकिन रात को और थोड़ा सा उनकी तबीयत बिगड़ी और जो डिहाइड्रेशन वगैरह था वो रुक नहीं रहा था, तो 3-4 बजे मिशन अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया।